गुड आफ्टरनून 11th क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में मूल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हालांकि मूल कॉन्सेप्ट को बेटा आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि आप लोग 9th क्लास में क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। मूल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 mole इज इक्वल टू एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, जहाँ पर कि एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट जो होता है उसको आप एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा कि एन ए और एन ए में बहुत डिफरेंस है। ये जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सोडियम है। ठीक है, केमिस्ट्री में स्पेलिंग मिस्टेक्स माफ़ होती हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों का ख़राब है, अगर आपने रिप्रेजेंट जो है वो गलत किया है, तो उस चीज़ पर मार्क्स ज़रूर कटेंगे। एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट जो है उसको प्रैक्टिकली जब कैलकुलेट किया गया था तो उसकी वैल्यू 6.022 × 10^23 थी, इज इक्वल टू 1 gm इज इक्वल टू 1 gmm इज इक्वल टू 22.4 liter एट STP। इससे पहले मैं आप लोगों को इस लाइन को समझाऊं तो आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए कि आखिरकार ये मूल कॉन्सेप्ट है क्या, और इसमें भी सबसे बड़ी जो चीज़ है कि मूल आखिरकार है क्या चीज़। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि अगर आप लोगों को कॉपी ख़रीदनी है, तो अगर कॉपी ख़रीदनी है तो आप लोग दुकानदार से कहेंगे कि हमें एक कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए, या एक दर्जन कॉपी चाहिए, दो दर्जन कॉपी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको एप्पल्स ख़रीदने हैं, बनानास ख़रीदने हैं, इस तरीके की अगर चीज़ें आपको ख़रीदनी हैं, तो फिर आप लोगों के पास में उसकी क्वांटिटी जो है आप नंबर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी एंटिटी की, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि एटम की, मॉलिक्यूल की, या किसी भी पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हाँ भी एक एटम, दो एटम, क्योंकि एक एटम या दो एटम तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीन्स एग्जिस्ट तो करता है पर वो हमें नज़र नहीं आता है, तो फिर हम लोग इन सारी चीज़ों को कैसे पता लगाएंगे? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन एंटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए एक जो है नया यूनिट जो है वो डिफाइन की गई, और उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो अब हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा दोबारा से और ढंग से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या चीज़। मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक मोल के अंदर जो है वो एनए पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं, जो कि इक्वल होगा 1 gam के या फिर 1 gmm के, जहाँ पर gam का मतलब होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास, या फिर हम लोग बात करेंगे gmm की, दैट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग पार्टिकल्स जो हैं एटम्स ले रहे हैं तो आप gam यूज़ करेंगे, अगर आप जो है पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे। मैं इन शॉर्ट यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, मान लीजिए कि आयंस हैं तो क्या होगा? तो चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, या आयन है, आप gam या gmm ना लिख करके आप सिंपली मोलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मास किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है ग्राम्स में, आप उसी को मोलर मास कहते हैं। जो कि अगर हम वॉल्यूम के बात करेंगे तो इज़ इक्वल टू 22.4 liter होता है। हालांकि इस चीज़ को हम लोग जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हमारा जितना फोकस रहेगा वो हमारा काम जो है वो इतने से चल जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि STP का मतलब क्या है। STP का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो अगर हम बात करें एक मोल की, तो एक मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं जितना कि एग्जैक्टली 12 gram ऑफ C12 आइसोटोप जो होता है उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करेंगे हम C12 की ही, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि C12 जो है उसको, दैट मीन्स कार्बन 12 जो है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि अब इस लाइन को थोड़ा सा ढंग से और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखेंगे, आपसे कहा जाए एक मोल हाइड्रोजन है। अब अगर एक मोल हाइड्रोजन है तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्या, ये वाली जो लाइन है या ये वाला जो भी सेंटेंस है ये अपने आप में अधूरा है, क्योंकि हाइड्रोजन आपको डिफाइन नहीं किया गया है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है या फिर ये हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल है। तो देखेंगे फटाफट से, मैंने पहले कहा कि आपने एक मोल हाइड्रोजन एटम लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसमें एन ए पार्टिकल्स होंगे। मैं बार बार 6.022 × 10^23 नहीं लिखूंगी, इसमें एन ए एटम्स होंगे जिनका की वेट जो है वो 1 gram होगा। मैं यहाँ पर जो आपको समझाना चाहती हूँ वो ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप 1 gram हाइड्रोजन एटम्स को लेते हैं तो उसके अंदर एन ए एटम्स होंगे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं।
6.022 × 10^23। और अगर मैं आपको बुक मैं अगर इसको थोड़ा सा बिल्कुल ही ढंग से समझाऊँ तो आप लोग अब कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसको क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। तो इतने बड़े टर्म्स को हम लोग इस तरीके से बार बार नहीं लिख सकते क्योंकि हम तो बस जीरो ही काउंट करने पर रह जाएंगे, इसलिए हम लोग जो है पावर्स में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल दूँ कि मैंने आपसे कहा कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूँगी तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसमें एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेट की बात करूँगी तो यहाँ पर इसका जो वेट होगा वो 2 ग्राम होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H2 means 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक मोल जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो वेट जो होगा वो 2 ग्राम होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको समझा चुकी हूँ पहले ही कि द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप मॉलिकुलर मास निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का उस तरीके से मॉलिकुलर मास निकालिए, बस उसके पीछे जो यूनिट है उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा, एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स की बात करूँ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ H2O कह देती हूँ तो मुझे एटम या मॉलिक्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो अंडरस्टूड वाली चीज़ है कि H2O है तो ऑब्वियसली बात है कि मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखती हूँ तो क्वेश्चन मार्क है कि एटम है या मॉलिक्यूल है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी, तो ऑब्वियसली बात है कि एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मैं वेट की बात करूँगी तो देखेंगे फटाफट से H2O, हालांकि मैं इस चीज़ को आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, 1 × 16, तो 2 + 16 = 18। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगी, ग्राम। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी, अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको हम आगे आने वाले समय में आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।